टेंट देर इज अ पेंटागोनल शेप पार्क, भाई पंचभुज दिया हुआ है, पांच भुजा वाला, फाइव साइड्स वाला पेंटागन दिया हुआ है। ज्योति और कविता ने इसको डिफरेंट वे से डिवाइड करके इनके एरिया निकाले हैं, आपको दोनों तरीके से निकालना है, है ना। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग एरिया, बोलते हैं आपके पास कोई अदर तरीका है तो आप वो भी बता दीजिए। सो ये डिवाइड क्यों करके एरिया निकाल रही है, बिकॉज हमने तो सिर्फ रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, है ना, या ट्रेपेजियम या रोम्बस, इनका ही एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है। इसके अलावा हमने कोई अभी तक फॉर्मूला पढ़ा भी नहीं है, तो पेंटागन के एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने। दैट्स वाई ये इनको क्या कर रहे हैं, देखिए ये जैसे डिवाइड कर रही है इसको दो ट्रेपेजियम में, ये इसको एक ट्रायंगल और है ना एक स्क्वायर में डिवाइड कर रही है। सो अब आपको बताना है कि इन दोनों के एरिया को काउंट करना है, दोनों का अलग अलग तरीका है, दोनों ही तरीके से काउंट करके आपको बताना है। सबसे पहले ज्योति के है ना जिस डिविडेशन के अकॉर्डिंगली एरिया निकाल रहे हैं, इसने दो ट्रेपेजियम दो समलंब चतुर्भुज में डिवाइड किया है, दोनों ही इक्वल है, ओके ये 30, ओके एंड अदर साइड जो पैरेलल साइड है ये दोनों पैरेलल होगी, दोनों समांतर होगी, ये 15 दी हुई है, ओके नाउ ये बिल्कुल इक्वल डिवाइड हो रहा है, ये साइड 15 दी हुई थी, सो 15 का हाफ हो गया 7.5 यानी 7.5। सो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई वो आ गई 7.5 मीटर, ओके दोनों साइड से अगर आप देखें तो 7.5 मीटर ही आ रही है ये। सो हाइट है आपके पास और दोनों पैरेलल साइड्स दी भी, एरिया निकाल लेंगे इसका डबल कर देंगे, डबल वाई बिकॉज दोनों सेम ही है, चाहे आप इसको अलग अलग निकाल के ऐड करो या एक का निकाल के डबल कर दो, आपके पास इस पूरे पेंटागन का एरिया आ जाएगा। सो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, देखिए फॉर्मूला पिछले क्वेश्चंस में लिखा है ना, आप वहां से नोट कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट अब वैल्यू पुट कर रहा हूं, पैरेलल साइड्स हैं हमारे 30 एंड 15, सो इन दोनों का सम इंटू हाइट, हाइट हमारी है 15 का हाफ कर दीजिए या 7.5, आप इसको फ्रैक्शन में रखेंगे तो कैलकुलेशन ईजी रहेगी, 7.5 या 15, ये साइड आपको 15 गिवन है, ओके डायग्राम के अंदर आपको ये 15 गिवन है, सो आप चाहो तो 15/2 रखें या 7.5, कैलकुलेशन इजी करनी है तो 15/2 रख दीजिए, ओके 2 से 2 कैंसिल आउट एंड इनका सम आया 45 इंटू 15 डिवाइडेड बाय ये वाला जो 2 बाकी रह गया था ये वाला, ओके 45 इंटू 15 एंड डिवाइडेड बाय 2, सो 45 इंटू 15 675 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 6 2 3 6 2 7 14 एंड 0.5 337.5 डिवाइड करना आपको आता है ना, अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से कर लीजिए, 2 से 3 टाइम्स 2 3 6 जीरो रिमाइंडर नेक्स्ट डिजिट ड्रॉप की 2 3 6 वन रिमाइंडर नेक्स्ट डिजिट ड्रॉप की 15 2 7 14 नाउ जिसको डिवाइड करना है वो तो छोटा नंबर है, अगला नंबर ड्रॉप करने को भी नहीं है, देन पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाते हैं तो वी नो यहाँ 10 मल्टीप्लाई में आया, 1 × 10 हो गया, 10 2 5 10, सो रिमाइंडर 0, सो ये हमारा है ना एरिया आ गया जो ज्योति ने डिवाइड किया था उसके अकॉर्डिंगली। अब कविता के अकॉर्डिंगली, सो अकॉर्डिंग टू कविता इसने ट्रायंगल और स्क्वायर में डिवाइड किया है, ओके सो वर्ग स्क्वायर ट्रायंगल आपका त्रिभुज पेंटागन पंचभुज, ठीक है पंचभुज का निकालना तो कैसे निकलेगा, ट्रायंगल और स्क्वायर के एरिया को जोड़कर, इसका फॉर्मूला होता है भुजा इंटू भुजा साइड इंटू साइड, ट्रायंगल का होता है हाफ बेस इंटू आधा इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये बेस है आधार बोलते हैं इसको, ऊंचाई बोलते हैं हाइट को। सो ये कैसे आएगी हाइट आपके पास, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको 30 दिया हुआ है, अब यहाँ से यहाँ तक तो आपने 15 ले लिया तो बचा हुआ कितना हो गया 15, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस ये इसकी हाइट हो गई, एंड बेस कौन बनेगा इसके ही जो पैरेलल इसके ही इक्वल जो साइड है वो बेस बन जाएगा। सो फॉर्मूला 15 × 15 एंड इसका फॉर्मूला हाफ इंटू 15 × 15, सो ये तो हो गया 15 का स्क्वायर 225, 15 × 15 225 होता है,
15 into 15 225 and 225 1 jar 225 divided by 2. सो वैन यू डिवाइड 225 बाई 2, 225 से डिवाइड करने पे 112.5 आएगा. 2 वन जा 2, रिमाइंडर 0, नेक्स्ट डिजिट ड्रॉप 2, 2 वन जा 2, रिमाइंडर 0, नेक्स्ट डिजिट ड्रॉप की 5, 2 टू जा 4, रिमाइंडर 1. अब ये तो छोटा है जिसको डिवाइड करना है. सो और फर्दर आगे आपके पास कोई ड्रॉप करने के लिए डिजिट भी नहीं है, देन डेसिमल दशमलव की हेल्प लेंगे, पॉइंट लगाया. सो इन टू में 10 आया, सो इट विल बिकम 10. तो ये 10 बन जाएगा, 2 5 10, रिमाइंडर 0, सो 112.5 मीटर. अब इनको जोड़ेंगे कैसे दोनों को, ये होल नंबर है और ये डेसिमल है, तो इसके बाद क्या करें, इसमें भी पॉइंट लगा के इसके बाद 0 रख दीजिए, ठीक है. सो ये भी डेसिमल नंबर बन गया, सो 0 प्लस 5 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 3 से 37.5. एरिया तो देखिए सेम ही आएगा क्योंकि सेम फील्ड को डिवाइड करके वो एरिया निकाल रहे हैं, बस तरीका अलग अलग है डिवाइड करने का.